हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमला के बड़े बेटे मोहन की शादी ज्योतिका नाम की बहुत ही अच्छी लड़की से हुई थी। अमला का छोटा बेटा विवेक अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था। विवेक ने अपनी शादी एक विदेशी लड़की मेलडी से कर ली। जैसे ही वो इस बात की खबर अपनी माँ को देता है तो अमला के होश उड़ जाते हैं और वो माथे पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया। विवेक ने बिना हमारी सलाह लिए शादी कर ली, वो भी एक गोरी मैम से। ना जाने कैसी होगी कैसी नहीं। अरे इतना बड़ा कदम लेने से पहले एक बार कम से कम फोटो ही दिखा देता हमें। अरे माँ जी, ऐसे मातम क्यों मना रही हो, जो हुआ हो गया। और वैसे भी आजकल तो हर कोई अपनी मर्जी से ही शादी कर रहा है, अगर देवर जी ने कर ली तो क्या हुआ। वो तो है बहू, पर कम से कम एक बार तो हमसे पूछ लेता। कोई बात नहीं माँ जी, अब कल देवर जी आ ही रहे हैं मेलेडी को लेकर, तो आप उनके आने की तैयारी करो और फिर हमें पहली रसोई की रस्म भी तो निभानी है। ज्योतिका की बात सुनकर अमला जमीन से उठकर खड़ी होती है और अपनी छोटी बहू के आने की तैयारी करने लगती है। और अगले दिन विवेक मेलेडी को लेकर अमेरिका से इंडिया अपने घर आता है। मेलेडी एक सुंदर साड़ी पहनकर टूटी फूटी हिंदी में अमला के पैर छूते हुए कहती है, नमस्ते माँ जी, सदा सुहागन रहो बहू। नमस्ते ज्योतिका दीदी। नमस्ते, आओ आओ अंदर आओ। जी भाभी, कम स्वीटहार्ट। सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं और मेलेडी फ्रेश होने के लिए कमरे में चली जाती है। तभी अमला विवेक से कहती है, बेटा सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा था जब तूने बताया था कि तूने शादी कर ली। पर बेटा, बहू सच में बड़ी प्यारी है, इतनी गोरी है जैसे 100 वाट का बल्ब हो। अरे वाह माँ जी, क्या तारीफ है। वैसे देवर जी देवरानी जी को देखने के लिए ना मोहल्ले वालों ने लाइन लगा रखी है घर के बाहर, क्योंकि उनको वो किसी अजूबे से कम नहीं लगेंगी। यूं ही सभी लोग बातें करते हैं, तभी वहाँ पर मेलेडी आती है और कहती है, माँ जी मुझे कैपुचिनो पीना है। अरे पर वो तो मुझे बनानी ही नहीं आती, आप रुको मैं बाहर से मंगवा देती हूँ। नो नो, आप बाहर मत जाओ दीदी, मुझे बनाना आता है, आप सामान दे दो मैं बना लूँगी। अरे नहीं नहीं बहू, अभी तू रसोई में नहीं जा सकती। पर क्यों माँ जी। वो इसलिए बहू, क्योंकि शादी के बाद पहली रसोई की रस्म की जाती है, उसके बाद ही तू रसोई में कुछ बना सकती है। तब तक तुझे जो भी चाहिए तू हमें बोल दे, हम तुझे देंगे सब। हो आओ, दैट्स ग्रेट। जी देवरानी जी, चलो आप बैठो। कैपेचिनो तो नहीं है, पर आपको गरम गरम अदरक वाली चाय पिलाती हूँ, आपको पसंद आएगी। इतना कहकर ज्योतिका रसोई में जाती है और जल्दी से सभी के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर लाती है। जैसे ही मेलेडी चाय का एक घूंट भरती है, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आती है और वो कहती है, ये सच में बहुत अच्छी है, मजा आ गया। ठीक है, अब से हर सुबह हम मिलकर चाय एंजॉय किया करेंगे। यस यस। मेलेडी देखना, भाभी और माँ ना थोड़े ही दिनों में तुम्हें एकदम देसी बहू बना देंगी, साथ ही तुम्हारी हिंदी भी अच्छी हो जाएगी। यूं ही सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते हैं। दिन गुजरते जाते हैं। अभी तक मेलेडी की पहली रसोई की रस्म नहीं हुई थी। इसी सिलसिले में बात करने के लिए ज्योतिका अमला के पास जाकर कहती है, माँ जी हम देवरानी जी की पहली रसोई की रस्म कब करेंगे, वो मुझसे पूछ रही थी। बेटा रस्म तो मैं आज ही कर दूँ। पर क्या माँ जी। पर ये बेटा कि तुझे पता है ना, जिस दिन बहू की पहली रसोई होगी उस दिन आस पड़ोस की औरतें भी खाने पर आएंगी, और मुझे डर इस बात का है बहू कि छोटी बहू को हमारा देसी खाना बनाना आता भी है या नहीं, क्योंकि हम तो उसकी मदद कर नहीं सकते इस रस्म में। अरे माँ जी, देवरानी जी बहुत समझदार हैं, आप सीधा ही उनसे जाकर बात कर लो ना। नहीं बेटा, ऐसे पूछना अच्छा नहीं लगता, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहीं कुछ गलत हो गया और किसी ने मेलेडी को कुछ कहा तो उसे बहुत दुख होगा, बहुत भोली है वो। कोई नहीं माँ जी, मैं अपने तरीके से देवरानी जी से बात करने की कोशिश करती हूँ कि उनको खाना बनाना आता भी है या नहीं, उसके बाद ही हम अपनी विदेशी बहू की पहली रसोई की रस्म करेंगे। इतना कहकर ज्योतिका वहाँ से चली जाती है और कमरे के बाहर खड़ी मेलेडी छुपकर उनकी सारी बातें सुनती है और मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन अमला की पड़ोसने कमला, विमला
और सुनीता उसके घर आकर कहती है, अरे अमला क्या बात है, अपनी बहू की पहली रसोई की रस्म करने में तूने तो बहुत पकत लगा दिया। हाँ हाँ, हमें तो लगा कि तूने अपने छोटी बहू की रसोई घर पर ही कर ली, हमें तो पूछा तक नहीं। हाँ, पर आज सुबह ही विवेक बेटा घर आकर कह गया था कि आज उसकी विदेशी बीवी की पहली रसोई है, तो खाना खाने आ जाना। कमला, बिमला और सुनीता की बातें सुनकर अमला और ज्योतिका को कुछ समझ नहीं आता। दोनों जल्दी से रसोई में जाती हैं, जहां मेलडी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और ज्योतिका कहती है, मेलडी ये क्या किया, अरे एक बार कह तो देती कुछ करने से पहले। हाँ बेटा, तू इन लोगों को नहीं जानती, ये कैसे हैं? माँ जी, दीदी, डोंट वरी, मैं सब कर लूंगी। आप दोनों आराम से बैठकर गपशप कीजिए, थोड़ी देर बाद जब खाना रेडी हो जाएगा मैं सबको आवाज दे दूंगी, उसके बाद आप टेस्ट करके बताना खाना कैसा बना है। इतना कहकर मेलेडी अमला और ज्योतिका को रसोई से बाहर भेजती है और खुद अकेली सारा खाना बनाती है। अमला और ज्योतिका का मन सोच सोच कर बैठा जा रहा था कि अब क्या होगा। रसोई से भीनी भीनी खुशबू आने लगती है। कुछ देर बाद मेलेडी सारा खाना रेडी करके टेबल पर लगाती है, जिसके बाद सब लोग टेबल पर खाना खाने आते हैं और खाना देखकर बिमला कहती है, अरे वाह बहू, इतना सब कुछ तूने अकेले ही बना लिया, आलू पूरी खीर रायता मटर पनीर चावल पापड़ ये सब। सच में बहू, इतना सब देखकर तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें खाना। ज्यादा सोचो मत तुम दोनों, चलो जल्दी से चक्कर देखते हैं कि खाना कैसा बना है, ला बहू परोस दे। सुनीता की बात सुनकर मेलेडी सभी को खाना परोसती है और खाना चखते ही सभी की आंखों में चमक आती है और सभी मिलकर मेलेडी की तारीफ करने लगते हैं। अमला और ज्योतिका भी अपनी विदेशी बहू की पहली रसोई का खाना खाकर खुश हो जाते हैं और खाना खाने के बाद सुनीता, बिमला और कमला मेलेडी को शगुन देकर वहाँ से चली जाती है और विवेक भी घर आता है। तभी अमला कहती है, बहू तूने इतना बढ़िया देसी खाना बनाना कहाँ से सीखा? हाँ मेलेडी, ये सब कैसे, तुम विदेश में पली बड़ी हो, वहाँ ये सब मिलना मुश्किल है, पर तुमने इतना सब कुछ परफेक्ट कैसे बना लिया? माँ जी, बात ये है कि विवेक ने मुझे पहले ही सब बता दिया था कि शादी के बाद एक इंडियन वाइफ के क्या रस्म रिवाज होते हैं, बस तभी से मैंने खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया और खाना बनाना भी सीख लिया था। आई एम जस्ट वेटिंग कि आप कब मुझे चांस देंगी, तो मुझसे वेट नहीं हुआ और मैंने विवेक की हेल्प लेकर सबको खुद ही बुला लिया। माँ, आपकी बहू भले ही विदेश से आई है, पर मैंने उसे अपना देसी ढंग भी अच्छे से सिखा दिया है, आपको कभी निराश नहीं करेगी मेरी मेलेडी। ये बात तो 16 आने सच कही देवर जी, मेलेडी सच में बहुत गुनी है। वारी वारी जाऊँ अपनी विदेशी बहू के इस देसी अंदाज पर। इतना कहकर अमला मेलेडी को गले से लगा लेती है और उसके माथे को चूमती है और अपनी पहली रसोई के बाद से अब मेलेडी ज्योतिका के साथ मिलकर रोज रोज रसोई में बढ़िया पकवान बनाती, जिससे घर के सभी लोग बहुत खुश रहते। रिधि अपने पति पंकज को खुद का ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए मनाती हुई बोलती है, पंकज प्लीज ना, मुझे अपना ब्यूटी पार्लर खोलना है, तुम मान जाओ ना, इससे हमारी एक्स्ट्रा इनकम भी होगी और मुझे सब कुछ आता है तो इसके कहीं ना कहीं तो यूज होगा ना। हाँ, तुमको दूसरों के हाथ पैरों को साफ करना है, ये काम करके मुझे एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए। पहली बात तो उसे हाथ पैर धोना नहीं, मैनिक्योर पेडिक्योर बोलते हैं, और इसमें हर्ज क्या है, 10 मिनट के काम के अगर 1000 रुपए मिल रहे हैं तो बुराई ही क्या है। मुझे तुमसे इस बात पर कोई बहस नहीं करनी, कोई पार्लर नहीं खुलेगा, अब मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस जाने दो। पंकज वहाँ से चला जाता है और बेचारी रिधि अपना पैर पटकते हुए गुस्सा निकाल देती है। लेकिन उन दोनों की सारी बातें खिड़की से झांक रही पंकज की बहन प्रियो सुन लेती है और अपने भाई के जाने के बाद वो खुद से बोलती है, वाह, सिर्फ हाथ पैर धोने के 1000 रुपए मिलते हैं, तो क्यों ना मैं ही भाई को मनाकर भाभी के साथ पार्टनरशिप करके पैसा ही पैसा छापूंगी, ऐसा करती हूँ, इस बारे में माँ से बात करती हूँ। प्रियो अपनी माँ मालिनी के कमरे में जाकर उसके पास बैठते हुए बोलती है, ओहो मेरी प्यारी माँ, मुझे तुमसे एक बात करनी है, कर लूँ क्या? हाँ बोल ले फिर, ये माँ माँ बोलकर सर मत खा। माँ तुम हमेशा मुझे बोलती रहती हो मैं निकम्मी हूँ, नलायक हूँ, मुझे कोई काम नहीं आता, मैं एकदम बेकार हूँ,
अपनी तारीफें मत गिनवा, चुपचाप बात बोल क्या बोलना है और जा। वो माँ मुझे ना ब्यूटी पार्लर खोलना है। वो क्या है ना, मैंने एक बार छुप छुप कर पार्लर का कोर्स किया था, तो अब सोचा उसको काम में ही ले आऊँ। तूने कब सीख लिया ये? अरे माँ, जब मैं स्कूल जाती थी तब सीखा था ट्यूशन जाने के बहाने। अब वो छोड़ो, ये सुनो, अगर मेरा ब्यूटी पार्लर खुल गया तो बहुत पैसा होगा हमारे पास। हाथ पैर धोने के ही 1000 रुपए मिलते हैं। अच्छा चल, ये तो अच्छी बात है। तू कुछ करना चाहती है, मैं शाम को ही पंकज से बात करती हूँ। मेरी प्यारी माँ, थैंक यू। अब तो भाई के सामने बात होगी, वो भी भाभी को मेरे पार्लर में लगा देगा और काम करेगी भाभी, पैसा उड़ाऊंगी मैं। शाम को पंकज काम से घर आता है तो उसके आने के कुछ देर बाद मालिनी बोलती है, बेटा पंकज, आज ना प्रियू कह रही थी कि उसको ब्यूटी पार्लर खोलना है। बेटा बोल रही थी कि बहुत पैसा है इसमें। अरे माँ, आज सुबह रिद्धि भी यही भूत चढ़ाए बैठी थी कि मुझे खुद का पार्लर खोलना है। लगता है आजकल इसी की डिमांड है। बेटा अगर बहू भी कह रही है और प्रियू भी, तो खुलवा देते हैं, दोनों घर में पड़ी रहती है, इसी बहाने थोड़ा काम कर लेंगी। हाँ वैसे बात तो सही कह रही हूँ माँ, अब प्रियू है तो किस बात का डर, दोनों मिलकर कर लेंगी। मैं ये बात अभी रिद्धि को बताता हूँ। अरे रिद्धि बाहर आना, और प्रियू तुम भी। दोनों ननद भाभी अपने अपने कमरे से बाहर आती है और रिद्धि को देखते हुए पंकज बोलता है, तुमने मुझे सुबह कहा था ना खुद का पार्लर खोलने के लिए, ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन सच में पंकज, वाव तुम कितने अच्छे हो, आई लव यू सो मच। मालिनी और प्रियू ये सुनकर खासते हुए उन दोनों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, जिसके बाद पंकज अपनी बात को आगे बोलता है, सुनो रिद्धि, तुम पार्लर खोल सकती हो, लेकिन वो पार्लर तुम दोनों ननंद भाभी का होगा, क्योंकि प्रियू भी पार्लर का काम जानती है और वो भी इसमें भागीदारी लेना चाहती है। क्या प्रियू, वो भी पार्लर? अरे इसको काजल पकड़ना तो आता नहीं, ये क्या मेरे साथ पार्लर चलाएगी? आप मुझे मेरा अलग पार्लर दे दो। आप ऐसे कैसे बोल सकती हो भाभी, क्या पता आपको ये डर है कि मेरे अच्छे काम की वजह से आपका नाम ही ना हो। कुछ भी, पहले लाइनर पकड़ना तो सीख लो, तब पार्लर खोलने के सपने देखना। खुद को देखो आप, प्रोडक्ट बोलना सीख लो, तब सोचना अकेले पार्लर खोलने की। देख तो बेटा कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती है, ननद भाभी कम सौतेली बहनें ज्यादा लगती हैं। बस करो तुम दोनों, अगर पार्लर खुलेगा तो उसमें दोनों पार्टनर होगी, वरना कोई पार्लर नहीं खुलेगा, बोलो मंजूर है? बेचारी रिद्धि को अपनी ननद के साथ पार्टनरशिप में पार्लर खोलने के लिए राजी होना पड़ता है। एक हफ्ते बाद सारा सामान वगैरह इकट्ठा करके पार्लर शुरू होता है, जहां पूरी फैमिली पूजा करने के बाद प्रियो और रिद्धि को वहीं छोड़कर घर आ जाती है। अब पार्लर की शुरुआत हो गई थी, तभी नया पार्लर देखते हुए एक निशा नाम की लड़की वहां आकर बोलती है, ये नया पार्लर आज ही ओपन हुआ है क्या? जी मैम, आप बताइए आपको क्या करवाना है? मुझे एक हेयर कट करवाना है, आप बता सकती हैं मुझ पर कैसा हेयर कट अच्छा लगेगा? जी जरूर, प्रियू इनको कुर्सी पर बैठाओ और देखो कौन सा हेयर कट इनके चेहरे पर अच्छा लगेगा। मैं जरा घर से पार्लर का थोड़ा सामान लेकर आती हूँ जो रह गया है। पर भाभी, रिद्धि तो पार्लर से निकल जाती है, लेकिन अब प्रियू उस लड़की को कुर्सी पर बैठा कर हेयर कट की किताब दे देती है। उस लड़की को उसमें से एक गोल कटाई वाली हेयर स्टाइल पसंद आती है, जिसको दिखा कर वो प्रियू से बोलती है, देखिए मुझे ऐसी कटिंग चाहिए। ऐसी? अच्छा अच्छा, ये तो कटोरा कटिंग है, रुको मैं अभी करती हूँ, आप आराम से बैठ जाइए, ये तो आसानी से कर लूँगी मैं। प्रियू उस लड़की के सर पर एक बड़ा सा कटोरा रख देती है, जिस पर वो बोलती है, अरे ये क्या कर रही हैं आप? ये न्यू स्टाइल है कटिंग का, आप भरोसा रखिए। प्रियू के कहने पर वो लड़की आराम से बैठकर कटिंग करवाती है, लेकिन प्रियू उसके बाल को ऊपर नीचे से काट कर एकदम खराब कर देती है, जिसके बाद वो लड़की अपने आप को देखकर डर जाती है और प्रियू पर चिल्लाने लगती है। कुछ देर में रिद्धि आती है और उस लड़की से माफी मांगती है, साथ ही उसको एक शैम्पू की बोतल कॉम्प्लीमेंट्री देती है, जिसके बाद वो लड़की चली जाती है और फिर रिद्धि प्रियू को बोलती है, मुझे पता था आपको कुछ नहीं आता, पहले ही क्लाइंट को फ्री सर्विस देनी पड़ रही है आपकी वजह से। ओ हेलो, आता है, पहली बार था इसलिए डर गई थी, ठीक है, और ये हो गया। रिद्धि उस दिन के बाद से प्रियू को पार्लर के काम नहीं करने देती। कई दिनों तक रिद्धि ही हर क्लाइंट को संभालती है।
कुछ दिनों में पार्लर का नाम होने लगता है। प्रियू का कोई काम नहीं था, बस पूरा दिन वो वहीं बैठे बैठे फोन में लगी रहती। एक दिन रिद्धि को पार्लर का कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाना था, तो वो प्रियू से बोलती है, प्रियू मैं मार्केट जा रही हूँ, इसलिए पीछे से कोई भी क्लाइंट आए तो उनको बोलना मेरे आने के बाद आए, तुम कुछ मत करना वरना पार्लर बंद करवाओगी। ठीक है ना, ज्यादा बनो मत भाभी। रिद्धि चली जाती है। उसके पीछे से एक नगमा नाम की औरत आती है जो प्रियू से बोलती है, हेलो मिस, मुझे पेडिक्योर करवाना था, हो जाएगा? वैसे पार्लर में काम करने वाली यहाँ नहीं है, गई है कहीं। अच्छा, मतलब कहीं और जाना पड़ेगा यार पैरों के लिए। चलिए कोई नहीं। पैरों के लिए मतलब पैरों पर करते हैं ये पेडिक्योर? ओहो, तो ये तो मैं ही कर देती हूँ। वैसे देखिए, मैं इस पार्लर की मालकिन हूँ, मुझे सब आता है, फिर भी मैंने एक लड़की रखी हुई है, पर आपको जल्दी है तो मैं आपके पेडिक्योर कर देती हूँ। वैसे मैं सबके नहीं करती, कुछ स्पेशल कस्टमर के ही करती हूँ। ओ ग्रेट, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियू नगमा को कुर्सी पर बिठाती है और उसके पैरों को गर्म खोलते हुए पानी में डुबोती है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए बोलती है, इतना गर्म पानी? हाँ, क्योंकि पैर बहुत ज्यादा गंदे होते हैं ना, इसलिए आप शांत बैठिए, मैं कर रही हूँ ना। प्रियू उस औरत को शांत बैठाकर उसके पैरों को गर्म पानी में डालकर हाथों में एक हार्ड ब्रश लेकर बोलती है, आज इनके पैर ऐसे चमकेंगे जैसे आसमान में चांद। इतना बोलकर प्रियू गर्म पानी में पैरों को रगड़ना शुरू करती है और इतनी जोर से रगड़ती है कि उस औरत के पैरों में से खून निकलने लगता है और वो बेचारी दर्द से चिल्लाती हुई उसको रोककर बुरी बुरी गालियां देती है और साथ ही चीख चीख कर सबको बुलाकर प्रियू के कारनामे दिखाती है। इतने में रिद्धि भी वहां आती है। ये सब देखकर वो शर्म से आंखें झुकाकर उस औरत से माफी मांगती है और उसको भी बहुत सारा ब्यूटी प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री देती है। फिर वो प्रियू का हाथ पकड़कर उसे पार्लर से बाहर लाती है और पार्लर में ताला लगाने के बाद घर जाकर चाबियां पंकज के सामने रखकर बोलती है, मुझे नहीं खोला कोई पार्लर, मेरी सारी मेहनत आपके बहन मिट्टी में ही मिला देगी, तो क्या फायदा? हुआ क्या रिद्धि? रिद्धि सारी बात पंकज और मालिनी को बताती है, जिसके बाद वो दोनों प्रियू से सख्ती से पूछते हैं, तो प्रियू बता देती है कि उसको कोई काम नहीं आता, बस पैसों के लालच में उसने पार्टनर बनना चाहा। ये सुनकर पंकज बोलता है, प्रियू तेरे लिए मजाक था, लेकिन तेरी भाभी का सपना था ये पार्लर, तूने पैसों के लिए खुलवा भी लिया था, तो कम से कम उसकी बदनामी के काम तो मत करती। भैया मुझे माफ कर दो, भाभी आप भी माफ कर दो, मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन बस पैसों के लालच में मैंने इसमें हाथ डाल दिया, पर अब मैं समझ गई कि पार्लर भाभी के लिए कितना जरूरी है, इसलिए मुझे पार्टनरशिप नहीं चाहिए। भाभी आप इस पार्लर को बंद मत करो, अकेले ही संभालो। प्रियू के माफी मांगने पर रिद्धि उसको माफ कर देती है और पार्लर को कुछ दिनों बाद ओपन करके खुद ही सारा काम संभालती है, जिसके बाद फिर कभी भी उसके पार्लर में कोई क्लाइंट गुस्से से नहीं जाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।